अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर की फर्स्ट सीरीज़ है। तो प्रीवियसली जो हम कर रहे थे वो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चंस कर रहे थे, और उसमें जो हमारी क्वेश्चन की टाइप थी वो इस तरह की थी कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर आ जाता था एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वाई के। अच्छा, इसमें क्या होता था कि इसमें हमारे पास y को हम पुट करते थे वी एक्स के बराबर, और डी वाई ओवर डी एक्स जो होता था वो हमारे पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बन जाता था। और इसको पुट करने के बाद हम सेपरेबल फॉर्म से उसको सॉल्व कर लेते थे। जो कि प्रीवियसली हमने किया हुआ। अभी हमारे पास जो इक्वेशन आ रही हैं वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी इक्वेशन की टाइप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और हम इस तरीके से अब उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इसमें वो हमारे पास बनती है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। अच्छा, इसमें आगे हमारे पास दो टाइप्स बन सकती हैं, एक टाइप और दोनों का सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक टाइप हमारे पास बन सकती है जिसमें हमारे पास ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू, और एक टाइप हमारे पास बन सकती है जिसमें ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसको हम अगर टाइप वन बोलते हैं तो उसमें सॉल्व करने के लिए हम स्मॉल एक्स को पुट कर देते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच के, और स्मॉल वाई को पुट करते हैं कैपिटल वाई प्लस के, जिस वहाँ पे एच और के कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास डी स्मॉल एक्स वो इक्वल टू हो जाएगा डी कैपिटल एक्स के, और डी स्मॉल वाई इक्वल हो जाएगा डी कैपिटल वाई के, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अच्छा, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो उसके बाद हम एच और के की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम देख लेंगे हमने कैसे करनी है। और उसके बाद जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम कैपिटल y को v कैपिटल x पुट कर देंगे, और उसके बाद सेम हमारा जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सिस्टम था वैसे ही हमारे पास सेपरेबल फॉर्म से उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वैसी ही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। दूसरी टाइप की क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल z इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको बराबर रखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई के, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाती है, हम उसको सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इनमें से एक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसी इक्वेशन बनती है।